दोस्तों वैसे तो कई बार सवाल उठते हैं कि क्या पॉर्न स्टार भी कभी रिटायर होते हैं, तो बता दें जी हाँ, पॉर्न स्टार्स भी रिटायर होते हैं और इसका प्राइम एग्जांपल है सनी लियोनी, जिन्होंने जब तक एडल्ट इंडस्ट्री में काम किया वहां पर वो एक सुपरस्टार थी, लेकिन जब उनका मन वहां से भर गया तो उन्होंने वहां से अपना करियर खत्म करने के बारे में सोचा। तो उन्हें पहले तो बहुत मुश्किल हुई, लेकिन फिर उन्होंने वो इंडस्ट्री छोड़ी थी, क्योंकि भले ही वो एडल्ट इंडस्ट्री की दुनिया चकाचौंध से भरी लगती हो लेकिन मुश्किलें वहां भी पैदा होती हैं। ऐसे में कई बार मन में सवाल उठते हैं कि जब सनी लियोनी ने एक इंडस्ट्री में काम करने के बारे में सोचा तो उनके लिए वो कितना आसान रहा, और आज उनके रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी कैसी है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको उसी एक्स एडल्ट स्टार सनी लियोनी के बारे में बताएंगे जो फिलहाल बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ गई हैं, साथ ही अपनी मैरिड लाइफ को भी एंजॉय कर रही हैं। इस बीच एक सवाल ये भी है कि क्या पॉर्न इंडस्ट्री की तरफ से बाद में पॉर्न स्टार्स को किसी तरह की मदद मिलती है, तो इसका सीधा जवाब हम आपको बता दें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी ग्लैमर और बोल्डनेस से पैसा कमाने वाले पॉर्न स्टार्स अब एडल्ट इंडस्ट्री छोड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों सनी लियोनी का नाम आज कौन नहीं जानता। इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में लगातार 4 सालों तक अगर किसी भारतीय एक्ट्रेस के बारे में सबसे ज्यादा सर्च हुआ है तो वो कोई और नहीं बल्कि सनी लियोनी थी। वही सनी जिनका असली नाम करणजीत कौर वोरा है, वो अमेरिकी और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक एक्ट्रेस और एक एक्स पॉर्न स्टार रह चुकी हैं। थोड़े उनके शुरुआती जीवन के बारे में बात करें तो सनी लियोनी यानी तब की करणजीत कौर वोरा का जन्म 13 मई 1981 में हुआ था। उनका जन्म कनाडा के सर्निया शहर में रहने वाली एक भारतीय पंजाबी फैमिली में हुआ था। सनी का जन्म तो कनाडा में हुआ था, मगर उनके टीनेज के दौरान ही उनका परिवार कनाडा के सर्निया शहर से अमेरिका के मिशिगन में शिफ्ट हो गया और सनी ने अपनी लाइफ की यंग एज को वहीं गुजारा। इस दौरान चूंकि वो पहले ही मॉडलिंग के जरिए लाइमलाइट में आ चुकी थी, इसीलिए उन्होंने अपने घर वालों से छिपते छिपाते इस काम को जारी रखा। घर में पैसों की तंगी के चलते उन्होंने कई न्यूड फोटोशूट्स में हिस्सा लिया और उनसे ढेर सारे पैसे भी कमाए, मगर जब उनकी न्यूड फोटोज मैगजीन्स में छपी तो ये झूठ ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया, और जब उनके पेरेंट्स को इसके बारे में पता चला तो उनका रिएक्शन कुछ वैसा ही था जैसे किसी भी टिपिकल इंडियन फैमिली का होना था। इसके बाद सनी बहुत प्रेशर में आ गई, मगर घर वालों ने उनकी एक ना सुनी और हमेशा के लिए उन्हें इन सब चीजों से दूर कर दिया। इस दौरान सनी ने कुछ मामूली नौकरियां भी की, मगर उनका सपना कुछ और ही था। ऐसे में उन्होंने कुछ वक्त बाद दोबारा अपने हाथ न्यूड मॉडलिंग में आजमाए, और फिर वहां से वो कब पॉर्न इंडस्ट्री में पहुंच गई पता ही नहीं चला। ये बात तो पूरी तरह से साफ नहीं कि उन्होंने इंडस्ट्री कब छोड़ी, मगर आखिरी बार सनी को सन 2007 या उससे पहले एक पॉर्न फिल्म में देखा गया था। कहा जाता है कि सनी का पॉर्न इंडस्ट्री छोड़ने का रीजन उनकी शादी और एक्ट्रेस बनने का सपना था। खैर आज वो इन दोनों ही सपनों को निभा रही हैं। वो बॉलीवुड में बतौर एक्ट्रेस तो हैं ही, साथ ही डेनियल वेवर से उनकी शादी का रिश्ता भी बेहद खुशियों भरा है। सनी अपने पास्ट को भुलाकर अब आगे बढ़ चुकी हैं और पेरेंटहुड की तरफ काफी एंजॉय कर रही हैं। लेकिन भारतीय मीडिया ने सनी लियोनी को इतनी आसानी से जीने देना सही नहीं समझा। आपको बता दें कि अलग अलग फिल्म्स के प्रमोशंस के दौरान या अलग अलग इंटरव्यूज के दौरान बार बार सनी लियोनी को इस चीज के लिए ट्रोल किया जाता रहा है कि वो कभी एक पॉर्न स्टार थी, लेकिन फिर भी सनी लियोनी पूरे जज्बे के साथ अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जीने की तरफ आगे बढ़ रही है। अगर स्पेसिफिकली एक इंटरव्यू के बारे में बताएं तो एक बार एक रिपोर्टर ने सनी लियोनी से कहा कि आप जिस इंडस्ट्री से आती हैं आपको क्या लगता है कि आमिर खान आपके साथ काम करेंगे? उसके बाद सनी लियोनी का जवाब था कि मैं तो चाहती हूँ उनके साथ काम करना, लेकिन अगर वो मेरे साथ काम नहीं करेंगे तो भी ठीक है। लेकिन रिपोर्टर ने दोबारा कहा कि आपके साथ आमिर खान काम नहीं करेंगे, जिसके जवाब में बाद में उसके दूसरे दिन आमिर खान ने ये ट्वीट किया कि मैं जरूर आपके साथ काम करना पसंद करूंगा। सनी लियोनी फिलहाल अपने एक्ट्रेस बनने का सपने को पूरा कर रही हैं। वो अब तक बॉलीवुड में कई फिल्मों में रोल कर चुकी हैं। उन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू जिस्म 2 मूवी से किया था। बेशक पॉर्न इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर ऑडियंस की वजह से आज इतनी मशहूर है, लेकिन जब कोई पॉर्न स्टार एक आम जिंदगी जीने की सोचता है तो वही लोग उसका जीना ये कह के हराम कर देते हैं कि तुम पहले ऐसा काम करते थे। खैर जो भी हो, आज जिस तरह से सनी लियोनी अपनी जिंदगी जी रही हैं, वो बहुत से लोगों के लिए एक मिसाल है। बता दें कि साल 2022 में सनी लियोनी की एक पर्सनल प्रॉपर्टी से जनरेटेड नेटवर्थ 93 करोड़ है, साथ ही उनकी मंथली इनकम लगभग 1 करोड़ रुपए के करीब है। अब अगर उनकी इंडियन लाइफ की बात करें तो बिग बॉस 5 में आने से पहले सनी लियोनी का नाम बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन भारत आने के बाद और खासकर इस कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो में आने के बाद ही लोगों को पता चला कि वह पॉर्न स्टार थी, और उसके तुरंत बाद वो भारत में पॉपुलर हो गई। सनी लियोनी को लगता था कि भारत के लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन तब उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब जो भी लोग उनसे मिलते अच्छे से मिलते और लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं।
इसके अलावा भारत में एक दौर ऐसा भी आया था कि सनी के इंडिया आ जाने के बाद लोग उनके बारे में बहुत दिलचस्पी लेने लगे थे, जिसका कारण जो भी रहा हो, लेकिन यही दिलचस्प एक वजह बनी जिसके बाद सनी लियोनी के जीवन पर एक वेब सीरीज बनाई गई जिसका नाम करणजीत सिंह कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोनी है। अब बात अगर सनी के पर्सपेक्टिव से सुने तो हर बार उनका यह कहना होता है कि उन्होंने अपना पेशा बिना किसी के दबाव में अपनी मर्जी से चुना और वे जो करती हैं उन्हें उस पर गर्व है। लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि आज दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन सनी के पास को पूरी तरह से बुला देना बहुत मुश्किल है। बता दें कि सनी लियोनी ने लगभग 35 एडल्ट फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस काम किया है और 25 फिल्मों का डायरेक्शन भी। आज सनी की लाइफ अगर इतनी बैलेंस्ड है तो उसका क्रेडिट जाता है उनके पति डेनियल वेवर को, जो सनी का सारा काम भी संभालते हैं। लेकिन आज भले बॉलीवुड उनके लिए इतना लिबरल हो गया, लेकिन एक बार जब रागिनी MMS 2 के लिए हाँ कहने के बाद वे एकता कपूर के ऑफिस में उनसे मिलने गई थी तो कहा जाता है कि उन्हें मजबूरन बुर्का पहन के जाना पड़ता था। तो दोस्तों ये थी करणजीत कौर और सनी लियोनी की जिंदगी की पूरी कहानी। आपको सनी लियोनी की बॉलीवुड में कौन सी फिल्म पसंद है आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।